आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल नाश्ते की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। यह है झारखंड की फेमस ढुसका और उसके साथ काला चना और आलू की सब्जी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उधर नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से जो सर्व किया जाता है, बनाने का तरीका जो है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ नया बनाना हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप चावल। आप कोई भी प्रकार की चावल ले सकते हो, आपका रोज़ का खाने वाला चावल भी इसमें यूज हो जाएगा। उसके साथ ले लेंगे 1/2 कप चना दाल। पहले हम नाश्ता के लिए बैटर बनाएंगे, उसके लिए सारे चीज़ को हमको भिगोना पड़ेगा। फिर ले लेंगे 1/4 कप उड़द दाल। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको भिगोने के लिए। एक्चुअली जो भी दाल या चावल होना, 4-5 बार पानी में इसको अच्छे से धोना जरूरी है और पानी को निकालना चाहिए। उसके लिए पहले ना 3-4 बार इसको अच्छे से हम धो लेंगे, इसमें से जो गंदगी है ना उसको निकाल देंगे, ये मेन रहता है पहले। फिर इसको कवर करके रख लेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटा भिगने देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। सारे चीज़ को भिगोते हुए 4 घंटे हो चुका है, तो अभी ना आप देख सकते हो कितना कम क्वांटिटी था इसका, ये पानी को सोख करके ज़्यादा क्वांटिटी हो चुका है इसका। तो फिर से 2-3 बार इसको धो लेंगे, उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। अभी हम सारे चीज़ को ब्लेंड करेंगे, उसके लिए एक ब्लेंडर की जार में हम थोड़ा सा चावल, उड़द दाल और चना दाल को ले लेंगे भिगोई हुई। उसमें ऐड करेंगे अदरक, और अदरक के साथ 2 हरी मिर्च ले लेंगे। जितना क्वांटिटी में आप भिगोगे ना, बारी बारी करके सारे चीज़ को सेम प्रोसेस में ब्लेंड करके ले आएंगे। थोड़ा सा पानी मिला के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके मैं ले आई, आप देख सकते हो ना, इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल दरदरा इसमें कुछ भी नहीं रखना है। चावल और 2 तरह की जो दाल को हम भिगो के रखे थे, सबको सेम प्रोसेस में ब्लेंड करके हम एक पतीले में ले लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मिला देंगे, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी। आगे अगर ज़रूरत होगा ना, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको कवर करके 2-3 घंटे छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा सा फर्मेंट जब हो जाएगा, इसमें से हम ढुसका बना के तैयार करेंगे। तो इसको कवर कर लेंगे और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी हम काला चना और आलू की सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर को गर्म किए, उसमें 4 से 5 चम्मच हम ले लेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद जीरा इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच, और जीरा को थोड़ा सा टाइम छोड़ देंगे चटकने के लिए। अभी यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च 8 से 10, थोड़ा सा टाइम इसको भी छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए। गरम तेल में मिक्स करेंगे अभी प्याज को, 3 मीडियम साइज प्याज को छोटा छोटा टुकड़े में कट करके मैंने रखा था, उसको मिला देंगे। अभी हम ऐड करेंगे हींग। हींग डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, तो 2 चुटकी हींग मैंने यहाँ ऐड कर दिए। हरी मिर्च ले लेंगे 2। हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में कट करके रखना है, इसको डालने से ना सब्जी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो प्याज के साथ इसको भूनना है, सारे चीज़ भून के थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। कुछ टाइम बाद प्याज अभी भून के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे अदरक और लहसुन। आप चाहे तो कद्दूकस करके डाल सकते हो, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। मैं यहाँ अदरक लहसुन को कद्दूकस करके डाला है। फिर से एक बार सारी चीज़ को भून लेंगे, जब तक कच्चा मसाला यानी अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर ना चला जाए, तब तक स्लो मीडियम फ्लेम में इसको भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो साइड से तेल छोड़ने लगा है। अभी हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि सूखा मसाला में ले लेंगे धनिया पाउडर, यह मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 बड़ा चम्मच। उसके साथ ले लेंगे मिर्ची पाउडर, स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हो। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि कलर भी अच्छा आएगा। आप चाहे तो चना मसाला ले सकते हो, नहीं तो गरम मसाला पाउडर भी यहाँ ऐड कर सकते हो। हल्दी पाउडर ले लेंगे 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच नमक मैं यहाँ ले रही हूँ, बाद में जितना ज़रूरत होगा उसको ऐड करेंगे। फिर से एक बार सारे चीज़ को मिलाते हुए कुक करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, 6 से 8 सेकेंड तक, नहीं तो सूखा मसाला जल सकता है। सारे मसाला जब अच्छे से भून जाएगा, तभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो।
ऐसे तो टमाटो को आप पीसेस में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दो टमाटो को ना मैंने ब्लेंड करके रखा था। इस तरीके से करने से ग्रेवी भी अच्छा लगता है और ग्रेवी ना थोड़ा सा थीक बन के तैयार होता है। अभी टमाटो डालने के बाद फिर से एक बार सारे चीज़ को मिलाते हुए साइड से तेल जब तक निकलता है तब तक इसको भूनना है। स्लो मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट भूनने के बाद अभी आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो चुका है और साइड से तेल भी निकलने लगा है। इसका मतलब मसाला जो है अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। इसमें अभी हम आधा कप पानी ऐड करेंगे, सारे चीज़ को मिला देंगे, क्योंकि मसाला ना बहुत टाइम जब हम कुक करते हैं नीचे से जल सकता है, इसलिए मैंने जल्दी से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। इसको उबलने देंगे पहले। काला चना को 6 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो के रखा था, फिर उसको धो के अच्छे से मैंने ले लिया है, तो चना को इसमें डाल देंगे। पहले से चना को उबालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मसाला में डालना है। उसके साथ कच्चा आलू मैंने ले लिया है 3-4, आलू का भी छिलका निकाल के उसको पानी में डाल के रखा था, इसको कच्चा ही डालना है। फिर अच्छे से मसालों के साथ मिला के इसको भूनना है, कुछ टाइम के लिए भून लेंगे। एक्चुअली ये जो कम्बो है ना, ढुसका के साथ काला चना और आलू की सब्जी, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपको कुछ भी चेंज अगर चाहिए तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी हम इसमें डालेंगे रस्सा के लिए पानी। पानी बहुत ज़्यादा मत डालें, थोड़ा कम डालें। कुकर में सीटी देने के बाद जब कुक हो जाएगा जितना ज़रूरत हो रस्सा के लिए, इसमें गर्म पानी डाल के फिर एक बार उबाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ डाल दिए, फिर टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे। सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे, उसके बाद कुकर की कवर को बंद कर देंगे। इसमें हम अगर उबला हुआ चना डालते तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, कुकर में नहीं कढ़ाई में डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उबला हुआ आलू और चना हम डालें तो। कच्चा है इसलिए कुकर की कवर बंद करने के बाद स्लो मीडियम फ्लेम में 4 से 5 सीटी देने तक इसको हम कुक करेंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें से जब भाप चला जाएगा फिर इसको चेक करेंगे। कुकर से सीटी आने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। अभी इसमें से भाप जा चुका है तो कवर को खोलेंगे और चेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा इसमें से एक फ्लेवर आ रहा है और अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। बहुत गाढ़ा है ये, और आलू जो हम आधा आधा करके डाले थे ना उसको मास कर लेंगे इस तरीके से। कलछी में थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, अच्छे से उबल चुका है, सॉफ्ट बन चुका है तो ये खुल जाएगा। और आलू जब खुल जाएगा ना इसका रस्सा गाढ़ा हो जाता है। आप गर्म पानी और एक पतीले पे बना दीजिए, फिर उसको इसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक अगर चाहिए तो उसमें डाल के फिर उबाल दीजिए। तो यह मैं गर्म पानी 1 ग्लास डाल रही हूँ। बहुत ही ठीक है इसका जो ग्रेवी, उसके लिए गर्म पानी डालना ज़रूरी है। पहले से अगर आप ज़्यादा पानी डालते तो हो जाता, लेकिन आलू को मास करने के बाद ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाता है रस्सा। और आधा चम्मच भी ले लिया अभी मैंने नमक, क्योंकि पानी इसमें हमने डाले है तो नमक की मात्रा कम हो जाएगा। सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे और इसको उबलने देंगे। रस्सा में अभी उबल आ चुका है, आप देख सकते हो। तो एक बार इसको मिला देंगे हम। फिर इसमें और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे धनिया की पत्ते। धनिया को छोटे टुकड़े में कट करके पहले से मैंने रखा था, तो मुट्ठी भर धनिया की पत्ता इसमें डाल देंगे। सारे चीज़ को मिला देंगे। अभी हमारा काला चना और आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख लेंगे। बैटर को फर्मेंट होने के लिए हम जो रखे थे 2 घंटे के ऊपर हो चुका है। अभी इसमें हम मसाला वगैरह डालेंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अगर चाहिए थोड़ा गाढ़ा अगर हुआ तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला के इसी टाइम बैटर ठीक ठाक कर सकते हो। इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर, उसके साथ चुटकी भर ले लेंगे हींग, काली मिर्ची पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा कम, जीरा ले लेंगे। बैटर की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालेंगे। मैं यहाँ आधा चम्मच नमक लिया। सारे चीज़ को एक बार अच्छे से हम फेंट लेंगे। जितना हम फेंटेंगे ना ये उतना सॉफ्ट रहेगा और जब हम डुस्का बनाएंगे फुला फुला डुस्का बन के तैयार होगा। तो बैटर तो अभी तैयार हो चुका है, इसको हम फ्राई करने के लिए ले लेंगे। तेल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था पहले से, तो इसमें 1 ड्रॉप बैटर डाल के हम चेक करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो, क्योंकि जो ड्रॉप मैंने डाला था अभी तेल के ऊपर आ चुका है। तो जो छोटा वाला 2 बूंद गिरा है तेल में उसको निकाल देंगे।
बड़ा चम्मच में एक चम्मच बैटर लेंगे और इसमें एक जगह पे हमको डालना है, इधर उधर नहीं करना है, बस एक जगह पे हमको पोर करना है, उसके ऊपर तक जैसे आएगा। और थोड़ा सा टाइम छोड़ के सेकेंड थर्ड जितना पैन आपका रहेगा ना उसी हिसाब से डालना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं डालना है नहीं तो आपस में चिपक सकता है, थोड़ा सा टाइम छोड़ के करना है। यह मैंने 3 डुस्का बनाने के लिए बैटर ले लिए, आप देख सकते हो ऊपर कैसे फूकने लगा है इसका, बहुत ही बढ़िया सा इसमें जो कलर डाले थे येलो कलर दिख रहा है। तो तेल लेके ना सारे डुस्के के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ताकि ऊपर से उसका जो फूका हुआ पार्ट है कम ना हो, अच्छे से फ्राई हो, और थोड़ी देर बाद इसकी साइड को पलटाएंगे। बहुत बढ़िया से बन रहा है ये, आप देख सकते हो प्रॉपरली। अगर आप बैटर बनाए, कंसिस्टेंसी सही हो और अच्छे से फर्मेंट हो तो इस तरीके के डुस्का बन के तैयार होता है, और फ्लेवर तो इसका बहुत ही बढ़िया रहता है, थोड़ा सा हटके रहता है। गरम तेल में इसको फ्राई करने के लिए डालना है, बाद में ना फ्लेम को स्लो मीडियम कर लेना है और इसको थोड़ा सा टाइम देख के तलना है, क्योंकि सारे चीज़ कच्चा रहता है, कच्चे चीज़ से बैटर बनता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये फ्राई होने के लिए। अच्छे से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसको तेल से निकालेंगे। अभी हम इसको पलटा देंगे और चेक करेंगे, आप देख सकते हो नीचे की साइड का कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है, गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। और जितना भी हमने बैटर बनाए हैं ना सारे को सेम प्रोसेस में एक एक बैच में फ्राई करके तैयार करेंगे। ये जो कढ़ाई है 3 तो मैंने फ्राई किया है लेकिन इसमें 4 भी हो सकता है, साइड में थोड़ा सा जगह है, नेक्स्ट बैच में 4 बना के तैयार करूँगी। बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई होके तैयार हो चुका है, तो एक एक करके तेल से अभी निकाल के ले लेंगे, इस तरीके से साइड कर लेंगे चम्मच में लेके ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, फिर इसको हम ले लेंगे। डुस्का को मैंने एक प्लेट में ले ली है, आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बन के तैयार हुआ है, और इसके साथ सर्व करेंगे हमारा काला चना और आलू की सब्जी को। ऐसे तो इसके साथ खाली आलू की सब्जी भी बनाया जाता है उधर, और उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन काला चना और आलू की सब्जी ज़्यादातर इसके साथ सर्व किया जाता है। इसमें थोड़ा सा दाल और चावल को भिगोने के लिए टाइम लगता है, नहीं तो ये फटाफट बन के तैयार होता है। जिस दिन आपको ना लंच में बनाना हो तो सवेरे आप प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो डिनर में बनाना हो तो लंच के टाइम से सारे दाल और चावल को भिगो के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये वाला टेस्टी कम्बो रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार होता है और टेस्ट भी बहुत ही यूनिक है, लेकिन टेस्टी है, सबको अच्छा लगेगा। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे ट्रेडिशनल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा।